नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस कब भेज सकता है और क्यों भेज सकता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं ITR की। इनकम टैक्स विभाग आपको कई कारणों से नोटिस भेज सकता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ गलती कर दी हो, इनकम की सही जानकारी न दी हो, या फिर कोई नुकसान हुआ हो, उसकी डिटेल्स में कुछ गड़बड़ी की गई हो, तो आपको भेज सकता है नोटिस। इनकम टैक्स का बिल डेटेड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर सिर पर खड़ी है। अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको ये अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आपको इसके साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ड्यू डेट तक रिटर्न न फाइल करने की स्थिति में असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर को या उससे पहले ITR फाइल करने पर ₹5,000 या किसी और स्थिति में ₹10,000 का जुर्माना देना होगा। साथ ही टैक्सेबल इनकम न होने पर इसे घटाकर ₹1,000 करने का भी नियम है। तो आपने नहीं भरा है तो अभी भर ले। बात करते हैं इनकम टैक्स विभाग आपको कई कारणों से नोटिस भेज सकता है। हो सकता है कि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ गलती कर दी हो, इनकम की सही जानकारी न दी हो, या फिर कोई नुकसान हुआ हो तो उसकी डिटेल में कुछ गड़बड़ी हो। आइए जानते हैं किन परिस्थितियों में आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है और आपको कौन सी गलतियां करने से बचना है। नंबर एक, इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी संपत्ति या आय के बारे में गलत जानकारी डालना। हो सकता है आपको टैक्स विभाग से ऐसा कोई नोटिस मिले जिसमें आपसे अपनी संपत्ति और आय सही से डिस्क्लोज करने को कहा जाए। अगर आपने गलती से अपने ITR में इसकी सही जानकारी नहीं दी है तो आप इस स्थिति में आ सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने असेट्स और इनकम की सही जानकारी दें, इसके साथ ही अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम, एड्रेस, पैन नंबर, सही डिटेल भरें। दो, असल आय में और डिक्लेयर की गई आय मैच नहीं करना। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने अपनी किसी संपत्ति की जानकारी ITR में नहीं डाली है, आपने अपनी एक्चुअल इनकम डिस्क्लोज नहीं की है, तो भी आपको नोटिस आ सकता है। आपके ITR फॉर्म में आय, निवेश से होने वाली कमाई, संपत्ति वगैरह सबकी डिटेल पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके प्रोफाइल में कुछ और लेकिन ITR डिक्लेरेशन में कुछ और दिखेगा तो आपको नोटिस भेज दिया जाएगा। नंबर तीन, इनकम या ट्रांजैक्शन से ज्यादा उतार चढ़ाव। अगर डिपार्टमेंट यह नोटिस करता है कि आपकी आय अचानक घट गई है या फिर अचानक से बढ़ गई है तो वह इस जानकारी मांग सकता है। साथ ही अगर आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं या हाई वैल्यू संपत्ति या ऐसे कोई दूसरे किसी असेट्स पर पैसे लगाए हैं लेकिन आपके टैक्स रिटर्न में इनकी पूरी जानकारी नहीं है तो भी आपको नोटिस आ सकता है। इसके लिए जो भी डिटेल भरें सही सही भरें। नंबर चार, TDS क्लेम में कुछ गड़बड़ी की तो TDS टैक्स डिडक्ट एट सोर्स भरते वक्त यह फॉर्म 26A या 16 या 16A की जानकारी के मुताबिक होना चाहिए। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो आपको IT एक्ट के सेक्शन 143/1 के तहत नोटिस मिल सकता है। नंबर पांच, पहले कभी टैक्स चोरी का केस बन रहा हो, डिपार्टमेंट जरूरत पड़ने पर पहले के टैक्स रिटर्न्स का आंकलन भी कर सकता है, और अगर ऐसा मामला निकल कर आता है कि टैक्स ITR में टैक्सेबल इनकम की सही जानकारी नहीं दी गई है तो इस पर सेक्शन 147 की रीअसेसमेंट टैक्स पेयर को नोटिस मिल सकता है और रीअसेसमेंट किया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।